नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ए टू जेड सॉल्यूशन ऑनलाइन में। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि हमारे घर पे एक सब मीटर लगा हुआ है जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं इस क्लिक के सब मीटर के साथ। एक्चुअली जो मेरा पुराना सब मीटर है वो खराब हो गया, तो उसके जगह हम इस सब मीटर को रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये रहा क्लिक का सब मीटर जो कि मैंने मार्केट से परचेस किया है और जिसकी कॉस्ट मुझे 600 पड़ी है। बाकी अलग अलग जगहों पे लोकेशन पे भी इसके प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए इसका लुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का ये सब मीटर जिसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। तो 1 साल में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करना पड़ता है तो फिर आप को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो क्लिक की ब्रांडिंग भी है और सबसे अच्छी बात मेड इन इंडिया है। तो इस तरीके का ये सब मीटर एसी 1 फेज 2 वायर स्टैटिक किलोवाट मीटर, और देख सकते हैं इसमें टोटल 4 पोर्ट हैं। तो ये वाला फेस और न्यूट्रल कनेक्ट होगा आपके मेन मीटर से, और ये फेस न्यूट्रल आपका कनेक्ट होगा आपके जिस भी पोजीशन पे आपको सब मीटर लगाना है उस पोजीशन। और साथ में हमको वारंटी कार्ड भी दिया गया है। तो 1 ईयर की वारंटी हमको इसमें देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल इसको रख देता हूँ साइड पे और चलिए फटाफट से सब मीटर रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा पुराना वाला सब मीटर जिसको हम ओपन कर रहे हैं। कैप हमने ओपन कर लिया और फटाफट से इसके जो वायर्स है उसको भी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं रेड वाला जो है फेस है अपना, ब्लैक वाला जो है अपना न्यूट्रल है जो कि डायरेक्ट मीटर से आया हुआ है और मेन मीटर से, और इसके अलावा जो 1 यूनिट का जो फेस और न्यूट्रल है ये फेस न्यूट्रल। तो गाइस इसके इसको ओपन करके हमने इसका जो प्लास्टिक है वो निकाल लिया है। तो जल्दी फटाफट से पहले इस मीटर को लटका लेते हैं, उसके बाद इसकी वायरिंग करेंगे हम। तो गाइस सब मीटर रिप्लेसमेंट करने के पहले ही हमने जो मीटर्स में जितने भी कटआउट्स लगे थे वो सारे ही हमने निकाल लिए हैं, मेन मीटर से भी, और जो सब मीटर में भी कटआउट लगे थे वो भी हमने निकाल लिए हैं सेफ्टी पर्पस से। और अगर आप भी इस तरह की वायरिंग करते हैं तो कटआउट निकाल कर ही वायरिंग करें, वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। फर्स्टली हम सारे स्क्रूज को थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम वायर्स को उसमें डालेंगे। और हालांकि हमने पुराने मीटर का वायर नहीं निकालना है, रीज़न ये है कि हमने सोचा है कि हम सिंगल सिंगल वायर निकालेंगे और इस पर डालते रहेंगे। तो इससे ये होगा ये कि जो सारे वायर्स हैं
उस पर हमको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा वायर किस में कनेक्ट होगा। हालांकि हम पूरा वायर निकालने के बाद भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम एक एक करके ही सारे वायर्स को कनेक्ट करेंगे। जिस यूनिट में हमारा सबमिटर लग रहा है उसके वायर को हमने, उसके न्यूट्रल को हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब बात आती है उसके फेस की, तो चलिए पुराने मीटर से फेस का वायर निकाल लेते हैं। तो उस यूनिट का फेस भी हमने लगा लिया, और अब बात बारी आती है जो मेन मीटर से जो हमारा फेस और न्यूट्रल आया है वो। तो पहले हम न्यूट्रल लगा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम फेस इस पे लगाएंगे। चलिए फटाफट से न्यूट्रल के वायर को भी हम लगा लेते हैं। तो गाइस न्यूट्रल का जो वायर है वो लग चुका है, और अब बारी आती है फेस की। तो मेन मीटर से जो फेस का वायर आया है चलिए उसको भी हम लगा लेते हैं। हमने मेन मीटर जो हमारा फेस आया है वो भी हमने लगा लिया। तो फाइनली हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं, और पूरे फटाफट से हम सारे फ्यूज को लगा लेते हैं। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका जो प्लास्टिक है वो लगा लेते हैं। चलिए फटाफट से सारे फ्यूज को लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो मीटर है ऑन हुआ है या सप्लाई कनेक्शन सही है या नहीं है। तो यूनिट का जो हमने फ्यूज है वो लगा लिया, और बाकी मेन मीटर में जो फ्यूज है उनको भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबमीटर है वो ऑन हो चुका है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। सेफली हमने सारी चीज़ें कर ली, और बाकी फ्यूज़ को भी हम लगा लेते हैं। चलिए फटाफट से सारे फ्यूज़ को लगा लेते हैं। तो सारे फ्यूज़ लग चुके हैं, हमारा मेन मीटर भी यहाँ काम कर रहा है, सब मीटर भी स्टार्ट हो चुका है, और जो हमारा पुराना सब मीटर है वो भी चल रहा है। इसी तरीके से आप अपने पुराने सब मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल के अलावा भी मेरे भी चैनल हैं, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा चैनल्स को, और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा नोटिफिकेशन बेल की सेटिंग है वो भी ऑल पे रखिएगा, ताकि हमारे जब भी वे फ्यूचर में उस चैनल पे भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे आईडी पे विजिट कीजिएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे लीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।